हेलो फ्रेंड, GSM हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। वीवो Y83 में आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ पे पैटर्न लॉक है तो फ्री टूल्स है। मैं आपको जो अभी मेथड बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री टूल्स है। आपको वो टूल चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर पैटर्न लॉक और FRP लॉक निकालना है तो आपको पहले तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। फ़ोन को स्विच ऑफ हो जाने के बाद वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाना है। रिकवरी मोड में फ़ोन को ले जाना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन से रिकवरी चूज करना है, फिर पावर बटन दबाना है। रिकवरी ऑप्शन आएगा, फिर वॉल्यूम डाउन बटन से एडवांस ऑप्शन में जाना है, पावर बटन दबाना है, फिर रिबूट विथ ADB चूज करना है, फिर पावर बटन दबाना है। फिर आपको USB केबल अटैच कर लेना है। अटैच हो गया है और डिवाइस मैनेजर ओपन करके मैं आपको बता देता हूँ इसमें कौन सा ड्राइवर आएगा तभी ये काम करेगा मेथड। इसमें पहला तो ADB ड्राइवर आना चाहिए, फिर बाद में VCOM ड्राइवर आना चाहिए MediaTek के। अगर आपके कंप्यूटर में ये दो ड्राइवर नहीं आते तो आपको USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो फिर अब टूल्स ओपन करना है। टूल्स ऐसा होगा, आप देख सकते हैं टूल्स ऐसा होगा। फिर यहाँ पे VCOM ड्राइवर है, इसमें COM142COM लिखा है, यहाँ पे आपको C142 लिखना है। फिर बटन 2 पे क्लिक करना है। फिनिश हो गया, थोड़ा टाइम वेट करें, फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट होगा और डेटा, यूज़र डेटा इरेज होगा। फ़ोन रिबूट हुआ है, आप देख सकते हैं, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको तभी ये काम करेगा। फ़ोन रिबूट हुआ, यहाँ पे वाइप डेटा आएगा, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक लाइन आ रही है, उसका मतलब डेटा वाइपिंग हो रहा है। यहाँ पे अगर चाइनीज जैसा कुछ आता है, लोगो आता है, तो उसको होल्ड करके रखना है, ओके पे क्लिक करना है, पावर बटन वापस दबाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको नॉर्मल चालू कर देना है, एग्री, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दे, नेक्स्ट। स्किप बटन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको नॉर्मल चालू कर देना है। फ़ोन सक्सेसफुली चालू हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बाजू में जो बेल आइकन उसको दबाना ना भूले। थैंक यू।